इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध, जहां पर दिल्ली की बॉर्डर से लेकर अब पूरे देश के साथ साथ विदेश के कुछ शहरों में भी कृषि कानून का विरोध देखने को मिला है और दिन ब दिन यह विरोध बढ़ते ही जा रहा है। इसमें कई विपक्षी दल पूरी तरह से उतर चुके हैं, उन्हीं में सबसे बड़ा दल बनकर और सबसे ज्यादा विरोध की आग जिसमें दिखाई दे रही है वो है कांग्रेस पार्टी में। बता दें कि उज्जैन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का कृषि कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि विधायक महेश परमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मक्सी उज्जैन मार्ग के लक्ष्मीपुरा पर चक्का जाम करके विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। बता दें ताजपुर चौपाटी पर भी विरोध की लहर देखने को मिली, साथ ही साथ विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में यहां पर प्रदर्शन हो रहा है और कृषि कानूनों को लेकर ये विरोध है। और यहां पर मांग एक ही है कि कृषि कानूनों को वापस ले सरकार, इस मांग को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर अलग अलग दो स्थानों पर ये हम आपको बता रहे हैं कि कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी कृषि कानून के विरोध में पूरी तरह से अब उतर चुकी है। विधायक महेश परमार के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मक्सी उज्जैन मार्ग के लक्ष्मीपुरा पर चक्का जाम किया हुआ है विरोध प्रदर्शन में। और बता दें ताजपुर चौपाटी पर भी विरोध की लहर देखने को मिली है, जहां पर विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर मांग सिर्फ एक है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लगातार पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कृषि कानून के विरोध में ये जो आंदोलन है ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।